हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं प्रिया आपका वेलकम करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरुष लोग ब्लॉग में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हमारा यहां से निकलने का टाइम हो गया है, तो यहां देखिए पतिदेव सासू माँ को अपनी पहले की स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे हम ड्रिंक करते थे और ब्लड डोनेट करके आए थे उस दिन। मतलब ये लोग सारे दोस्त थे, डोनेट करके आए और उस टाइम पी रहे थे, तो वही वाली स्टोरी बता रहे हैं। आप लोग भी सुनिए, बताइए कौन अपने माँ बाप से ऐसी बातें करता है। मस्त ब्लड देके हाथ नहीं खोल रहा है हमारा, समझ रहे? जब ब्लड देके आए ना तो ऐसे खोल रहे हैं, ऐसे पकड़ के खुल ही नहीं रहा अपने से। थोड़ा देर के लिए कमजोरी हो ही जाता है। अब पैक बन रहा है, पी रहा है, पी के मस्त लून हो के भाई है, कोई नीचे पी गिरा है, कोई बिस्तर को गिरा है, कोई कहीं गिरा है। अपने जब उठा एक मिला कर मर गए सब, सला ब्लड देके आया सब मर गए। फिर हम लोग उठे बम बम टाइट सब टनाटन, क्यों? क्योंकि सीताराम का नाम था। अच्छा, सीताराम का था। सीताराम के नाम से दारू पियेंगे तो कुछ नहीं होगा। उनके नाम से तुम कुछ भी करो, जहर भी पी लो, जहर भी पी लो। अच्छा। पिए, मीरा, मीरा पिए थी। अच्छा, कन्हैया के नाम हाँ। लेकर के जो तो ये क्या नाम था, मीरा, जहर पी गई थी जानते हुए। क्या हुआ? तब अपनी मम्मी को अपनी दारू की स्टोरी सुना रहे हैं। पीते थे तो पीते थे, मतलब अगर अभी पीते होते तो नहीं सुनाते, छोड़ दिए। सुनाते, मैं सामने पीता तब क्या कुछ। हाँ चलो, जूता ना लग जाएगा सामने पिए। सामने नहीं पिए लेकिन पी करके सामने जरूर है। भैया के शादी में पी करके पूछो, यही सामने पूछो। शादी में ठीक है, आप हमारे पूछो कितना उधम मचाए। शादी में पी लिए ठीक है, इसे हिम्मत है, दो जूता खा जाते। चलिए, अच्छा लेट हो रहा है, चलो पैकिंग करो। पैकिंग के लिए 5:30 बज गया है, 8 बजे से पहले गाड़ी आ जाएगी। अभी खाना बनाना है, खाना है सब कुछ। और रॉकी जी यहाँ पर सोए हैं। तुमको क्यों दिखाए? यहाँ पे सारा सामान पैक हो गया है। रात 8 बजे निकलना है तो मेकअप वगैरह कर लो। 7 बजे सारा फ्रूट काट के इसके सामने फ्रेश कर देना बस। देखिए स्लैब की डायपर नहीं पहन रहा है, पॉटी करेगा ना। जब इसका थोड़ा सा लूज मोशन हो रहा है ना, थोड़ा सा पॉटी हो जा रहा है, तो इसलिए डायपर पहन रहा है, तो बहुत चिल्ला रहा है, मुझे नहीं पहनना है। मैं बताऊँ किस लिए नहीं पहन रहा है? क्योंकि ना उसको समर शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि निकलना पड़ रहा है 7:30 बजे। बोल बस, अभी ये लोग खड़े हो गए हैं, डायपर पहने लिए हैं। हाँ, है ना, भड़म 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 भड़म। तुम रोई कार में आज, तो क्या होगा मालूम है ना? कहाँ? नेक्स्ट टाइम से तुमको वहीं छोड़ के आएंगे। कहाँ? वहीं पे। देखो हम कंघी भी नहीं किए, सबके चक्कर में सब काम करते 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 तुम्हारा मेकअप कर दिया, इसको भी, डैडी भी कर दिया, बस मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, 7 बज रहा है, रात में ही जाना है, चलते हैं ऐसे ही। रॉकी क्या कर रहा है? रॉकी को तो रॉकी बांधा गया क्या? ओ बांध हाँ, दिया बांधा है रॉकी। रॉकी को छोड़ के चलते हैं दादी के पास। हाँ चल, रॉकी को एक बार ऐसे दिखा देते हैं। क्या नहीं मम्मी, रॉकी ले चल रहे हैं, रॉकी से बहुत प्यार करते हो तुम। ले चलेगा राखी को, ठीक है? नहीं ले चलेगा, हम बहुत गंदा हैं। चलेगी, ठीक है? देखो रखिए, अभी रो रहा है। रो, हाँ देखो अभी बंदा है ना, वो देखो उधर बंदा है। नहीं बहुत रो रहा है, क्यों रो रहा है? इसको लगता है, इसको पता चल गया कि कहीं जाना है। कहीं जाना है रखी? कहीं नहीं जा रहे हैं, तुमको नहीं ले जाएंगे। देखिए मम्मी, इसको पता चल गया है, तुमको नहीं ले जाएंगे, तुमको छोड़ के जाएंगे हम लोग। छोड़ के जाएंगे तुमको, छोड़ के जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, छोड़ के जाएंगे तुझका। बाय बाय मेरा बेडरूम, बाय बाय कद, बाय बाय। अब पता नहीं कब आएंगे, 6 महीने, साल भर, पूरे 1.5 साल बाद तो आए हैं यहाँ पे। अब पता नहीं कब आएंगे बाबा। चलें घर अपने, कि दादी के पास रहना है, अपने घर चले, दादी के घर में, यही तुम्हारा घर है। चलो उधर उधर से खोलो।
सब लोग अच्छे हैं। इसको मत चलो बाय बाय करके बाबी को हाथ मिला लो, हाथ मिला लो बेटा, बाय बाय हम लोगों को जब भी गांव आना या जाना रहता है तो हम लोग ऐसे रात में ही निकलते हैं। लगभग तो अपनी कार रहती थी तो सुबह सुबह हम लोग 3 या 4 बजे तक घर से निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं उस टाइम गहरी नींद में, तो बस उठाते हैं और बच्चों को कार में लेटाते हैं, लेकर चल देते हैं। लेकिन इस बार पतिदेव को मॉर्निंग ड्यूटी जाना है और सुबह सुबह, और ऊपर से अपनी भी कार नहीं है, तो फिर इसीलिए हम लोग शाम को निकलने का डिसीजन लिए हैं, क्योंकि जाते टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है। आरोही गई थी एग्ज़ाम देने, वो आई है तो उसको लेकर हम लोग 11 बजे आए थे दिन में, तो मतलब उस टाइम इतनी प्रॉब्लम हुई ना कि हो रहा था कि अब कभी आए ही ना। उसको वॉमिटिंग की बहुत प्रॉब्लम है, जितना करेगी नहीं एक बार ही करेगी, बट पूरे रास्ते रोते हुए जाएगी, मम्मा उल्टी मतलब। कैसा लग रहा है नाइट ट्रिप में? मज़ा आ रहा है। रॉकी है नीचे बैठा। रॉकी मेरा रॉकी, मैं भी निकाल जान गया जा रहे। हाँ वो समझ गया था कि ये जा रहे हैं, एकदम पहले गाड़ी पे चढ़ा है, तुरंत गाड़ी चला और चिल्ला रहा था, जान गया कि गाड़ी की आवाज आ रही है ना, कल हम लोग छोड़ के गए थे कार की आवाज से, तो वो समझ गया है। तो अभी हम लोग रावस्टरगंज आ चुके हैं और यहाँ आते आते बच्चे हमारे सो गए हैं, और मतलब शांति है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे भी मतलब रात में ना मुझे भी कुछ नहीं होता है वॉमिटिंग वगैरह का, ऐसे मुझे भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, बट ऐसे रात में जब निकलते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा हवा लगता रहता है और मतलब अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए हम लोग ऊपर से जा रहे हैं, नीचे पूरा घर बना हुआ है, मतलब नीचे का लोकेशन प्यारा लग रहा है, अच्छा है। इधर देखिए तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डाला, और ये मंदिर देखिए, ये माँ वैष्णो का मंदिर है। यहाँ पर जम्बू से माँ वैष्णो की अखंड ज्योति लाई गई थी, तो यहाँ भी मतलब अंदर जाएंगे ना तो एकदम पूरा गुफा के जैसे, मतलब बहुत ही अच्छा है, इतना प्यारा है ना अंदर, जैसे लगता है कि रियल में हम गुफा में घूम जा रहे हैं। मैं इसमें एक बार गई थी, पतिदेव थे और मेरे मामा थे, तो मामा के साथ मैं गई थी, क्योंकि पतिदेव को ऐसी जगहों पर जाना मतलब उनको थोड़ा सा सफोकेशन होने लगता है, तो इसीलिए मैं गई थी। और अब साथ में इनके साथ आते ही हैं, जाने का मन तो करता है बट ये जाएंगी नहीं, तो फिर इसीलिए सोचते हैं चलो फिर किसी और के साथ आएंगे ना, कोई और साथ में रहेगा तो फिर जाएंगे माता के दर्शन करने। तो अभी 1 घंटे का और रास्ता है, लेकिन पतिदेव ने कार रुकवा दी है और वो पी रहे हैं चाय, मेरे लिए भी लाए थे, मैंने भी पी लिया है। तो अभी 1 घंटे और है, अभी तक बच्चे सोए हैं, थोड़ी सी शांति है। ये देखिए रॉकी को बाहर डॉग की आवाज़ आ रही है ना, तो ये यहाँ से सोया था, उठकर भू 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 कर रहा है। तो अभी 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग फिर चल दिए हैं, और ये देखिए पतिदेव क्या पी रहे हैं, अमूल कूल, बताओ ये दूध पी रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप दूध पी रहे हैं बच्चों के जैसे, ये तो कह रहे हैं और क्या करूँ। सो जाओ, बस घर पहुँचेंगे तुमको भी देंगे खाने को। ये देखिए रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया था, अभी पूरे 1/2 घंटे मतलब हम लोग इसी में फंसे थे, तो किसी तरीके से रास्ता क्लियर हुआ है तो हम लोग निकल रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है बट पता नहीं क्यों रात में अचानक ऐसा इस बार हो गया। सारे ट्रक वाले कम से कम 25-30 ठहरे होंगे, एक लाइन से लगातार खड़े हैं। तो
फाइनली बाबा पहुंच गए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं विंध्यनगर NTPC कॉलोनी में और आगने वाला है हमारा घर। इस बार का ट्रिप बहुत ही अच्छा था, मतलब शांति थी, बच्चे क्योंकि सोते सोते आए हैं और अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमारी, ये है हमारी लाइन और आगे काऊ बैठी है। कौन सा ये वाला? बस यही वाला गेट है। डेप निकाले, सुसी पट्टी नहीं हुआ रास्ते में। ओले बाबले, कोई बात नहीं, लाओ निकाल दे, निकालो। वॉशिंग मशीन डैडी अंदर करके गए थे। इस बार हम लोग काफी सामान लेकर आए हैं, कुछ शादी वाले कपड़ा लहंगा भी हो गया था और कुछ मेरे मायके से, कुछ ससुराल से। इतना सारा सामान आ गया कि पतिदेव को हमारे साथ पीछे बैठना पड़ा था। रॉकी आ जाओ। वो शांति से आया अपना सोते सोते। तो 11 बजे आने वाले थे लेकिन जाम में फंसने गए। हाथ पैर पापा गए बाथरूम में, जाओ धो के आओ। अच्छा ठीक है। हालत हो गई है खराब और चल रहे हैं अभी सोने। सोकर उठेंगे तो सारा सामान सेट करना पड़ेगा और ऊपर से पतिदेव की मॉर्निंग ड्यूटी है तो वो चले जाएंगे ड्यूटी 6 बजे ही। फिर उसके बाद 7 बजे जाएंगे, 6 बजे उठ के नाश्ता वगैरह बनाएंगे, 7 बजे वो ड्यूटी चले जाएंगे। फिर उसके बाद सब सारा सामान हम पूरा दिन सेट करेंगे। और आने में थोड़ा सा गला मेरा पता नहीं क्यों अजीब सा कर रहा है ठंडी से। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रॉकी काट रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।